राजनीति की दुनिया की एक और बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर लिखी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रोमो पर ही बखेड़ा हो गया। कांग्रेस इसे प्रोपेगेंडा बता रही है, तो मनमोहन सिंह का रोल निभा रहे अनुपम खेर फिल्म का बचाव करते नजर आए। क्या राहुल गांधी को पहले ही प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी सोनिया गांधी? क्या यूपीए सरकार के दौरान ही राहुल को कमान दे देना चाहती थी सोनिया? प्रधानमंत्री रहते हुए भी क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह पार्टी में अकेले पड़ गए थे? क्या मनमोहन सिंह को फैसले लेने तक की आजादी नहीं थी? बीजेपी ने खुद इस ट्रेलर को ट्वीट करते हुए लिखा, इस ट्रेलर की कहानी बताती है कि कैसे एक परिवार ने 10 सालों तक देश को बंधक बनाकर रखा। सर, आपके ऊपर जो फिल्म बनी है उसके ऊपर क्या कहना? You asked your question. Yes sir. I have not replied. Why are you repeating? नहीं, इसमें तो कोई आपको प्रयत्न करने की जरूरत ही नहीं है। पावर सेंटर कौन था और कहां से पावर कहां पे थी? फिल्मों को जो आजादी रहती है, जो आज तक आजादी की कांग्रेस बात करती थी, आज उसके ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा रही है? जबकि कांग्रेस अब बैकफुट पर आकर अपने आलाकमान का बचाव कर रही है। कहीं भी किसी भी रूप में प्रधानमंत्री कमजोर नहीं दिखे और ना ही उस तरीके का हस्तक्षेप या राहुल जी का दिखा या सोनिया जी का दिखा है। ये एक मनगढ़ंत फिल्म है। एक्सीडेंटल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऐसा शब्द ऐसे प्रधानमंत्री के लिए उपयोग करना ये पूर्णतः गलत है। अगर इस प्रकार की फिल्म मध्यप्रदेश में रिलीज होने की कोशिश की जाएगी तो कांग्रेस इसका विरोध करेगी और हम ऐसी फिल्म प्रसारित नहीं होने देंगे। आज सारा दिन सुबह से यही चल रहा है कि हम बैन फिल्म बंद कर देंगे, फिल्म रोक देंगे अलग फ्रॉम अदर मेथड्स आल्सो अगर हमें फिल्में नहीं दिखाई। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।